हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक और जबरदस्त अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको यूटिलाइज करते हुए या जिस पे वर्क करते हुए आप डेली का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस टोटल कैश बर्ल्ड एप्लीकेशन ही की तरह है। मीन्स कि इसकी एप्लीकेशन के जो फंक्शंस हैं और जो इस पे वे ऑफ वर्किंग है, वो तमाम का तमाम कैश बर्ल्ड ही की तरह है। पिछली वीडियो में हमने कैश बर्ल्ड से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स शेयर की थी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स शेयर करूँगा, जिसको यूटिलाइज करते हुए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, प्ले स्टोर के सर्च बार में आपने टाइप करना है प्लोटो। तो यहां पर प्ले स्टोर के सर्च बार में मैं टाइप कर लेता हूं प्लोटो। प्लोटो टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इस एप्लीकेशन को, मींस के जो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। ये फोर्थ नंबर पे एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं पर्पल कलर का इसका आइकन है, इसको टच कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद आप सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को टच करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखें, ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो इसका वे ऑफ वर्किंग भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आई एग्री वाला वही टैब है जो कैश बर्ल्ड एप्लीकेशन में था, तो इसको आपने एग्री वाले टैब को टच कर लेना है। और यहाँ पर आपके पास काफी सारे आर्टिकल्स ओपन होंगे, मींस के जो कैश वर्ल्ड की एप्लीकेशन थी उसमें आप जस्ट वीडियोस वॉच करके अर्निंग करते थे, बट इसमें आप आर्टिकल रीड करके भी अर्निंग कर सकते हैं। सिंपली आपने आर्टिकल को टच करना है। आर्टिकल को टच करने के बाद फ्रेंड्स, आपने आर्टिकल को नीचे ड्रैग करना है। यहां पर देखें, एक गोल्ड सर्कल आप देख सकते हैं, यहां पर एक गोल्ड सर्कल मींस के कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होगा तो आपकी जो अर्निंग है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यहां पर देखें, जैसे आप आर्टिकल को ड्रैग करते जाएंगे जो सर्कल है वो कंप्लीट होता जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ कॉइन रिसीव हो गए हैं। अब बैक पे आते हैं। बैक पे आने के बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा टैब है वो है वीडियो का टैब। वीडियो वाले टैब को हम टच करते हैं तो यहाँ पर देखें, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस हैं। इन वीडियोस को आप वॉच करते हुए भी अर्निंग कर सकते हैं। हमारा जो मेन टैब है वो थर्ड टैब है। यहाँ पर देखें, थर्ड टैब आया हुआ है, ये टैब है अर्न मनी का टैब। तो इस टैब से भी फ्रेंड आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है 31.20 रुपए है। विदड्रॉ वाले टैब पे टच करें तो फ्रेंड्स देखें, इसका जो विदड्रॉ का ऑप्शन है वो सेम है, इजी पैसा और जैज कैश। देखें, जो मिनिमम विदड्रॉ है वो 300 रुपए है, यानी जब आप 300 रुपए टच करेंगे तो तभी आप इसका विदड्रॉ ले सकते हैं। बैक पे आते हैं। बैक पे आने के बाद फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन हैं, जिन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके भी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की जो अर्निंग है वो हमें कॉइन में मिलती है, बट ये जो कॉइन है ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पर देखें, फेसबुक की एप्लीकेशन है, आपने जस्ट इसको यहां पे फॉलो करना है फेसबुक पे, तो उसका आपको 1000 से भी ज्यादा कॉइन मिलेंगे। इनवाइट वन फ्रेंड है, इसको आपने सिंपली टच करना है। टच करने के बाद फ्रेंड्स, यहां से आपने एक फ्रेंड को इनवाइट करना है। पर इनविटेशन के देखें, आपको यहां पर 400 रुपए तक मिलेंगे, मींस कि अगर आप एक फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको 400 रुपए तक यहां पे प्राइस मिलेंगे। इसके अलावा आपको 10,000 कॉइन्स मिलेंगे और यहां पर देखें 2400 एक्स्ट्रा पाकिस्तानी भी आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, $500 कॉइन का एक कंटेस्ट चल रहा है, अगर आप इस कंटेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो आप $500 तक जीत सकते हैं। ज्वाइन वाले टैब को हम टच करते हैं, इसको भी जरा हम डिटेल से देख लेते हैं कि ये टैब क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर रेफरल बनाने हैं, आप जितने ज्यादा रेफरल बनाएंगे तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर आप महीने के एंड तक जितने भी रेफरल जनरेट करते हैं तो जो टॉप रेफरल होंगे उस लिहाज से ये आप प्राइस जो है वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, नीचे मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट प्राइस है 130, यहाँ पर उसने फ्रेंड्स इनवाइट किए थे जिसको उसको $50 मिल रहे हैं। सी मोर को टच करते हैं, नीचे हम देखते हैं, नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, जो मिनिमम वाला मींस के जो मिनिमम फ्रेंड्स रेफर किए थे या मिनिमम फ्रेंड बनाए थे वो 22 फ्रेंड हैं जिसके $5 मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ इस एप्लीकेशन की रेफर ट्रिक भी शेयर करूंगा कि आप उस ट्रिक के जरिए किस तरह से अर्निंग हासिल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बैक पे आते हैं। बैक पे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के टैब्स हैं जिन टैब्स के जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है। इनवाइट वाले टैब में आते हैं। इनवाइट वाले टैब में आने के बाद फ्रेंड्स, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, वो है ये जो 2400 रुपए वाला सिस्टम है, इसको देख लेते हैं। इसका फ्रेंड्स क्या है कि जो भी आप एक फ्रेंड इन्वाइट करते हैं तो उस फ्रेंड के नीचे उस फ्रेंड के बदले में आपको एक व्हील ऑफ फॉर्चून दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ 0 टाइम्स है, मीन्स के जितने भी व्हील ऑफ फॉर्चून के ड्रॉ मुझे दिए
दिए गए थे वो तमाम के तमाम मैंने यूज़ कर लिए हैं और उसकी अर्निंग मुझे यहाँ पर 1600 रुपये मिली है और बाकी मैंने यहाँ पर 800 रुपया मजीद अर्न करना है। तो जब मैं 800 रुपया अर्निंग कर लूँगा तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे मीन्स के जब मेरा 2400 हो जाएगा तो मैं इंस्टेंटली विड्रॉ ले सकता हूं इजी पैसा के जरिए। जब आप एक रेफर बनाएंगे तो आपको एक व्हील ऑफ फॉर्चून दिया जाएगा। नीचे देखें यहां पर रूल्स भी हैं कि अगर आप एक रेफर बनाते हैं तो उस एक रेफर बनाने के बदले में आपको एक व्हील ऑफ फॉर्चून दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉइन्स दी जाती हैं और कुछ रकम वगैरह भी आपके वॉलेट में ऐड की जाती है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यहाँ मी वाले टैब में आना है और यहाँ पर आपने अपना प्रोफाइल नेम कर लेना है। निकनेम को टच करके इस निकनेम को यहां से आपने खत्म कर देना है। निकनेम को आपने यहां से टच करना है, टच करके आपने इस निकनेम को खत्म कर देना है और अपना कोई सा भी एक यूनिक निकनेम यहां पे आपने ऐड कर देना है। इसके बाद अवतार वाले सेक्शन में आना है। अवतार वाले सेक्शन में आने के बाद यहां पर आपने अपनी कोई सी भी गैलरी में से एक पिक्चर ले लेनी है और उस पिक्चर को आपने यहां पे अपलोड कर लेना है। तो मैं यहां से कोई भी एक पिक्चर पिक कर लेता हूँ, इस पिक्चर को मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद आपने जेंडर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर मेल फीमेल टच करके कन्फर्म करना है, अपडेट कर देना है। आपने अपनी प्रोफाइल के साथ ये सेटिंग्स लाजमी करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद यहाँ पर देखें मेरा जो इस वक्त बैलेंस है वो 31.21 रुपये है। अब मैं आपको इसकी रेफर ट्रिक के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखें नीचे एक शेयर का बटन है, आपने शेयर के बटन को वो टच करना है। शेयर के बटन को टच करने के बाद आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एप्लीकेशन को आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने इस लिंक को नोट पैड में कहीं भी सेव कर लेना है। तो मैं एक नया नोट पैड का पेज ओपन कर लेता हूँ और इस लिंक को यहाँ पे सेव कर लेता। तो फ्रेंड्स हमारी जो रेफर लिंक है ये यहां तक है, बाकी जो लिंक है उसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं। तो यहां से फ्रेंड्स इस लिंक को मैं इस तरह से सिलेक्ट करके यहां से जो टोटल लिंक है मेरी इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं। तो इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने अपनी वाईफाई डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। देखें जब भी आपको एक नया रेफर बनाने लगे एक ही डिवाइस पे तो आपने अपनी वाईफाई डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। अगर आप सेलुलर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं अपनी जो वाईफाई डिवाइस है इसको ऑफ कर देता हूँ और जो मेरी वाईफाई डिवाइस है उसको भी मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स मेरे पास ये वाईफाई डिवाइस है, इसको मैं यहाँ से इसकी बैटरी निकाल लेता हूँ। उसके बाद जो सिम कार्ड मैंने लगाया है इस सिम कार्ड को भी मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। अगर आप कोई और वाईफाई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपने जस्ट उसे रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें मैंने अपना सिम कार्ड निकाल लिया है। तकरीबन आपने कम से कम 5 सेकंड तक सिम कार्ड निकाल लेना, उसके बाद दोबारा से आपने अपना सिम कार्ड लगाना है और अपनी बैटरी वगैरह लगानी है डिवाइस की और उसके बाद फ्रेंड्स आपने अपनी जो वाईफाई डिवाइस है इसको रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैं इसको एक तरफ रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये रीस्टार्ट होगी उसके बाद हम अपने नेट कनेक्टिविटी को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम इसकी मजीद सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरी वाईफाई डिवाइस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है आइसलैंड। तो आपने आइसलैंड एप्लीकेशन यहाँ से सर्च कर लेनी है और इसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद सिंपली आपने आइसलैंड की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन है, इसको आपने टच करना है और एरो वाले साइन को टच कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आइसलैंड का जो प्ले स्टोर है वो ओपन होगा तो आपने अपनी रेफर लिंक को कॉपी कर लेना है, वो रेफर लिंक जो आपने नोट पैड में सेव की थी। तो यहाँ से मैं अपनी इसी रेफर लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। जो प्लोटो एप्लीकेशन की मेरी रेफर लिंक थी इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूं और प्ले स्टोर पर आपने यहां पर साइन इन होना है अपने एक न्यू अकाउंट से या उस जीमेल आईडी से जो जीमेल आईडी पहले प्लोटो वो एप्लीकेशन पे ना लगा हो। अब आपने आइसलैंड की एप्लीकेशन दोबारा से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र को टच करना है और उसके बाद एरो वाले साइन को टच करना है। एरो वाले साइन को टच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने गूगल सर्च बार में इसी लिंक को इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने लिंक को सिंपली टच करना है। टच करने के बाद फ्रेंड्स ये लिंक क्या करेगी, ये डायरेक्ट
गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर देगी। गेट ₹300 नाउ को आपने टच करना है और जो आपकी एप्लीकेशन है ये देखें, ये डायरेक्ट उस गूगल प्ले स्टोर में चली जाएगी जो आपकी असिस्टेंट की एप्लीकेशन का गूगल प्ले स्टोर है। सिंपली आपने इसको इसी तरह करना है, इंस्टॉल हो जाएगी। ओपन वाले टैब को टच करना है, ओपन वाले टैब को टच करने के बाद देखें कितना ईजी प्रोसेस है ये। जैसे ही ये प्लोटो की एप्लीकेशन ओपन होगी आपने जस्ट इस एप्लीकेशन पे 1 to 2 मिनट स्टे करना है, एग्री वाले टैब को टच करना है। एग्री वाले टैब को और टच करने के बाद आपने मी वाली प्रोफाइल में आना है। तो थोड़ी सी ये लोडिंग ले रही है, जैसे लोडिंग लेगी हम दोबारा मी वाली प्रोफाइल में आएंगे, ओपन वाले टैब को टच कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद मी वाले टैब में आएंगे। मी वाले टैब में आने के बाद हम थोड़ी सी मीन्स कि इस पे तकरीबन 1-2 मिनट हम यहाँ पे लगाएंगे। दोबारा अर्न मनी वाले टैब में आएंगे। अर्न मनी वाले टैब में आने के बाद हम नीचे ड्रैग करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स देखें जो हमारा एक रेफर है वो सक्सेसफुली बन गया है। जब आप एक रेफर यहाँ से बना लें तो आपने क्या करना है कि आपने इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। मीन्स के जो आइसलैंड एप्लीकेशन आपने ओपन की थी और इससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है तमाम की तमाम एप्लीकेशन आपने क्लोज कर देनी है। आइसलैंड एप्लीकेशन पे बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद ऊपर वाला 3 डॉट्स को टच करना है, सेटिंग्स को टच करना है। इसके बाद आपने स्कोप सेटिंग्स को टच करना है। आइसलैंड में आना है। आइसलैंड में आने के बाद डिस्ट्रॉय परमानेंट को टच करके आइसलैंड की सेटिंग्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देना है। और जब आप दूसरा रेफरल बनाने लगे तो आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो चली गई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।